मैंने सृष्टि के लिए कुर्ती प्लाजो सेट तैयार कर लिया है, साथ साथ आज मैं उसके लिए चुन्नी बनाना भी दिखाऊंगी। ये रहा बचा हुआ फैब्रिक, ये सिर्फ 1.5 मीटर का ही था, तो मैंने सोचा इसे ऐसा डिजाइन करूं कि कपड़ा भी लंबा हो जाए और डिजाइन भी बन जाए। तो मैंने यहाँ पे 30 इंच मार्क कर लिया लेंथ, और उसे ऐसे मार्क करके कट कर दूंगी। देखिए ये रहा 30 इंच। अब मैं इसे लाइन ड्रॉ कर लिया और मैं कट करके इसे अलग कर दूंगी, और इस बचे हुए पार्ट को इसके दोनों साइड्स में जॉइन करूंगी। आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। देखिए मैं एक साइड इस तरीके से आधा पार्ट यहाँ जॉइन करूंगी और आधा उस तरफ। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मेरे पास थोड़ा सा और फैब्रिक बचा था, तो मैं जब इसे स्टिच करूंगी तो इसे खाली जगह को भर के इसे पूरा कर लूंगी। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये बचे हुए फैब्रिक को 2 इंच चौड़ी काट ली है, लंबी आप कितनी भी ले सकते हैं। अब इसे मैं 1/2 इंच फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इस तरीके से स्टिच कर दूंगी, फोल्ड करके। और दोस्तों एक तरफ स्टिचिंग हो जाने के बाद उसके दूसरे कॉर्नर में भी स्टिचिंग लगा दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं 4 इस डोरी को प्रिपेयर कर लूंगी, चौड़ी डोरी को। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। मैंने फैब्रिक को उल्टा नहीं रखा है, सीधा रखा है। अब ये जो पतली सी पट्टी है मैं 3 इंच पे मार्क लगाऊंगी और बहुत सारे पीसेस कट कर लूंगी। तो लीजिए मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। अब मैं इसे अरेंज करना बताऊंगी। मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप का डिजाइन बनाऊंगी। तो मैंने एक फैब्रिक को इस तरीके से रखा और 3 इंच पे मार्क लगाऊंगी। 3-3 इंच की दूरी पर हम इस पैटर्न को डिजाइन को बनाएंगे। इस तरीके से मार्क लगा लीजिए 3-3 इंच की दूरी पर, तो इसे एक ट्रायंगल का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से पहला पैटर्न रखा और दूसरा पैटर्न इस तरीके से रखा, और देखिए साइड का कॉर्नर इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रहेगा। अब 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसे मैं स्टिच करते जाऊंगी और जो पट्टी है उसे भी अरेंज करते जाऊंगी। आप देखेंगे किस तरीके से। देखिए जो दूसरी पट्टी है उसी के ऊपर हम ऐसे लगा देंगे ट्रायंगल शेप करके, और 3 इंच की दूरी पर इसे भी अरेंज कर देंगे ऐसे। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे पट्टियों को आप लगा दीजिए और स्टिच कर दीजिए। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही इजी है। आप भी अपने छोटे से कपड़े के फैब्रिक से इसे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी चुन्नी बना सकते हैं लंबा लेंथ लेके। अगर दोस्तों आपको ये चुन्नी की डिजाइन, इस दुपट्टे का डिजाइन पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो लीजिए दोस्तों मैंने सारे पैटर्न को अच्छे से स्टिच कर दिया। मैंने सीधे के ऊपर उल्टा स्टिच किया है, ठीक है। अब इसे ऐसे खोल के पलट लेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग लगा देंगे ताकि इसकी सिलाई जो हो वो मजबूती से रहे। इस तरीके से पूरा स्टिच कर दीजिए।
और दोस्तों इसके बाद आधा इंच छोड़ते हुए एक और स्टिचिंग लगा दीजिए। तो लीजिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने डिजाइन बना लिया। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे जो फैब्रिक मैंने दोनों साइड में लगाने के लिए काटा था उसे मैं इसमें अटैच करूंगी। सबसे पहले जो ये कपड़ा कम पड़ रहा था उसमें मैं छोटा सा फैब्रिक कट करके लगाऊंगी। मैंने इसे ऐसे ही आधा इंच, आधा मतलब कि 5 इंच का कट कर लिया था और सिंपली सीधा सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद जो मेरा फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रख के मेजरमेंट कर लूंगी और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल लूंगी। ऐसे अब देखिए दोस्तों, जो मैंने छोटा फैब्रिक लिया था उसे आप सीधा रखेंगे और जो बड़ा फैब्रिक है उसे उल्टा रख के बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल को अच्छे से एडजस्ट करते हुए लेंगे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए। ऐसे दोस्तों इसे अच्छे से एडजस्ट करके स्टिचिंग कीजिएगा। अगर आपको परेशानी हो रही हो तो पहले आप इस ट्रायंगल को एक बार स्टिच कर लिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर कपड़े के ऊपर रख के स्टिच करें। मुझे स्टिचिंग करने में बहुत अनुभव हो गया है तो मैं कोई भी कठिनाई के बिना इसे स्टिच कर लेती हूँ। तो लीजिए ये स्टिच हो गया। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर भी टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। अब डबल स्टिचिंग भी कर देंगे 1/2 इंच छोड़कर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे साइड भी डिजाइन बना लेंगे। देखिए दोस्तों कितना प्यारा दिखाई दे रहा है और हमारे दुपट्टे का लेंथ भी बड़ा हो गया है। आप इसी के अकॉर्डिंग दूसरे साइड भी डिजाइन क्रिएट कर लीजिए सेम मेथड से। अब इसके बाद हम इसके चारों कॉर्नर को एकदम पतला फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करिए और स्टिच कर दीजिए चारों तरफ। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से पतला पतला फोल्ड करते हुए चारों तरफ आप स्टिचिंग लगा दीजिए। देखिए दोस्तों ये डिजाइन के पास आप इस तरीके से स्टिच कीजिएगा। अब इसके बाद मैं हैंगिंग बनाने दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 5-5 इंच की स्क्वायर ली है, 14 पट्टियां ली है यहाँ पे, और ये गोल्डन कलर का डोरी है जो मैं लूंगी 4 इंच की इस तरीके से। अब इसे कट कर लूंगी और यहाँ पे हम एक हैंगिंग बनाना दिखाऊंगी मैं आपको। अब इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे हैंगिंग्स या फिर लटकन भी कह सकते हैं बना लीजिए। इसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बनाना दिखाया था, पर इसको बनाना थोड़ा सा अलग है। इस तरीके से हम गोल्डन वाले फैब्रिक को रखेंगे, फिर ट्रायंगल का शेप देंगे करीबन 1 इंच ऊपर लेते हुए, और देखिए वो थोड़ा सा पार्ट बाहर की तरफ लीजिए। अब
आप इस तरीके से ट्रायंगल के शेप में इसे स्टिच कर दीजिए, ठीक है। और बचे हुए पार्ट को आप सीधा सीधा कट कर दीजिए। दोस्तों देखिए, ये एक ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद सुई धागा लेंगे और इसको जिगजैग करते हुए स्टिच कर देंगे और इससे अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए इसकी सिलाई को पक्का कर लेंगे। इसको गैदरिंग करके ही स्टिच करें, ठीक है। अब इसे हम पलट देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक फ्लावर का शेप बनके रेडी हो गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने 14 पीसेस बना लिए थे। अब मैं अपने दुपट्टे के कुछ कुछ दूरी पर इसे हैंग कर दूंगी और इसके कॉर्नर में मोती लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा दुपट्टा बनके रेडी है। यहाँ पे मैंने मोती लगाया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर कैसे अपने फ्लावर को हैंग किया है। मैंने लंबाई में 5 फ्लावर लगाए हैं और चौड़ाई में 2। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से आप एक साड़ी से पूरा ड्रेस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सृष्टि को ये ड्रेस कैसा लगा। मैं उसको दूंगी ये ड्रेस। तो देखिए, इसका ड्रेस इसे बहुत पसंद आया। इसने मुझे पहन के भी दिखाया। देखिए ये इस तरीके से, वाओ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये नेक की डिजाइनिंग है, ये हैंड की डिजाइनिंग है और देखिए जो मैंने अभी दुपट्टा प्रिपेयर किया है वो इस तरीके से बना है। तो देखिए दोस्तों, आप साड़ी से कितना अच्छा ड्रेस बना सकते हैं, वो भी कम कपड़े की मदद से। तो सृष्टि, आपको कैसा लगा ये ड्रेस? वाओ दी, क्या ड्रेस बनाया, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, सृष्टि को तो ड्रेस बहुत ही पसंद आया। अगर आपको मेरी वीडियो ये क्रिएशन पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।